भाइयों और बहनों, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इनका सिर्फ एक ही मंत्र है, जात पात जपना। जात पात जपना, जनता का माल अपना। जात पात जपना, जनता का माल। जात पात जपना, पूरी ताकत से बोलिए, जनता का माल अपना। जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना, जात पात जपना। इतना बता दो लोगों को, ये धंधा ये करते हैं। और इसलिए दिल्ली में एक उनको ऐसी सरकार चाहिए जो मजबूर है, मजबूर, ताकि ये मन मर्जी कर सके, लूट चला सके। ठीक वैसे ही जैसी 2014 से पहले ये करते थे, लेकिन तीन चरणों के चुनाव के बाद आधा देश इनका ये सपना तोड़ चुका है। अब आप सभी चौकीदारों की बारी है। कमल के फूल के सामने जब आप बटन दबाएंगे तो आपका हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये लोग जब चुनाव हारने की कगार पे आते हैं तब गाली गलौज करने में इतने नीचे उतर आते हैं, इतने नीचे उतर आते हैं। और आपने पिछले कई चुनाव देखे होंगे कि एक दो तीन चरण पूरे होने के बाद वो शुरू कर देते हैं, मोदी कौन जात का है। कोई कह देता है ये तो नीच जात का है, कोई कहता है ये तो नीच है। मैं हैरान हूं, मैं कभी जाति के नाम पर राजनीति के पक्ष का नहीं हूं। इस देश को जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। लेकिन अब मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा, मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है और कुछ नहीं है। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो इसे बोल रहा हूं, मैंने कभी अगले पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है, मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है, पूरे देश को अगड़ा बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है और इतनी छोटी है, इतनी छोटी है। मुझे याद है, मैं एक अहमदाबाद में हमारे समाज के लोग
एक बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते थे, तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था और डोनेशन के लिए कह रहे थे। तो डोनेशन क्या आ रहा था, कोई 1000 रुपया देने के लिए हुआ आगे, ज्यादा से ज्यादा देने वाला कितना था, एक सज्जन निकले बोले मैं 51,000 रुपया दूंगा। तो मेरे बगल में जिस जगह पे कार्यक्रम था उस स्कूल के एक सीनियर व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा मेरे समाज की मीटिंग हुई होती तो 10 मिनट में 10 करोड़ रुपया आ जाता। हम इतने सामान्य समाज से आए हैं लेकिन आप जाति पर हमें बोल रही हो। और देख लीजिए भाई, नमक कितना ही कम क्यों ना हो, बहुत छोटी जगह होती है, लेकिन खाने में जब नमक आ जाता है ना तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और नमक भले इतना ही क्यों ना हो लेकिन जब खाने में नहीं होता है तो बढ़िया से बढ़िया खाना भी मन नहीं करता है। अरे ये मोदी तो, वो तो ऐसी पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का है, नमक का काम कर रहा है ताकि इस देश के हर गरीब का खाना स्वादिष्ट बने, इसलिए काम कर रहा है।